दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। हेलो एवरीवन, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बताना चाहूँगा अगेन, ये संडे है और आज हम लोग सतनला डैम में आए हैं, जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा, बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं डोबो डैम। तो आज ये संडे है तो मज़ा उठाने आए हैं, तो चलिए चलते हैं और मज़ा करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ सतनला डैम में आ गए हैं। तो लवली पीपल, ये फिलहाल हम लोग का जमशेदपुर में एक न्यू टूरिस्ट प्लेस है जो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये बन रहा है। एंड आई होप ये बहुत जल्द, मतलब 2021 के शुरुआत तक में ये बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये नया साल में एक नया सौगात मिले, तो मज़ा आने वाला है। एनीवे, चलिए आपको थोड़ा सा फुटेज दिखाते हैं। लवली पीपल, आप लोग देख सकते हैं ये जो सतनला डैम है, फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इसका निर्माण जो कार्य है वो अभी जारी है, चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। बावजूद इसके, आज चूँकि संडे का दिन है तो आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और संडे का फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए और आनंद लीजिए। तो लवली पीपल, सीन ऐसा है, आप ये बैरिकेड्स देख रहे हैं, बेसिकली अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से गाड़ी एकदम ऊपर तक नहीं जा सकता है। तो आपको वहाँ तक, यानी कि डैम का जो मुख्य स्थल वहाँ तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और बताना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छा प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, तो आप पैदल जा जा करके आनंद उठाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरी बात, यहाँ आपका कसरत, व्यायाम सब कुछ हो जाएगा, तो हर तरफ सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप आइए और हवा खाइए। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, तो ये जो सतनला डैम है जिसको हम बोलते हैं डोबो डैम, ये बेसिकली हमारे जमशेदपुर से महज जो सुनार दो मोहनी है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 4 से 5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और सुनारी दो मोहनी होते हुए जो रोड रांची को जाती है, उसी रोड पर एक डोबो गाँव पड़ता है, उसी के बगल में ये डैम बनाया गया है। बेसिकली ये जो डैम है बहुत ही नेचुरल है, आर्टिफिशियल है और मज़ा वाला डैम है। तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बगल में ही है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे जमशेदपुर का न्यू टूरिस्ट प्लेस है, तो आना बनता है। वैसे मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस डैम का स्ट्रक्चर को देखकर कैसा लग रहा है कि ये छोटा बंकी का बड़ा भाई है, यानी कि ये छोटा बंकी का बड़ा डैम है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो ढांचा है, संरचना है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। चलिए आपको मैं थोड़ा सा उसका एक फुटेज दिखाता हूँ। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसको छोटा बंकी डैम का बड़ा भाई इसलिए बताया क्योंकि जो छोटा बंकी डैम है वो भी पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। सिमिलरली इसको भी पहाड़ के किनारे ही, यानी कि रुगड़ी डोबो जो पहाड़ है उसके सीना में इसको बनाया जा रहा है, इसका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जमशेदपुर के टूरिस्ट प्लेस में ये भी सुमार हो गया है या फिर हो जाएगा, तो ये बहुत ही
खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और आज संडे है तो कुछ लोग घूमने भी आए हैं, तो मज़ा आ रहा है। आज की संडे के दौरा में भी मेरे साथ सौरभ भाई हैं, तो चलिए थोड़ा कुछ बात करते हैं। सौरभ बताइए, डोबो डैम आपको कैसा लग रहा है? जगह बहुत अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य। हाँ, बिल्कुल। अगर देखना चाहते हैं तो इससे अच्छा जगह दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आप दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे इस सात नाला डैम के बारे में? जमशेदपुर से जिनका घर बहुत सामने है तो इसे एक बार जरूर आके ट्राई कर सकते हैं, ये जगह को। हाँ, विजिट करिए, मज़ा आएगा। बिल्कुल। और अभी पिकनिक का मौसम आ रहा है, और अभी मालूम ये भी चला है कि आई होप जनवरी तक में ये उद्घाटन भी हो जाएगा, इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, तो आप लोग बेशक आएँ, बेहिचक आएँ और मज़ा लूटें। वैसे तो यहाँ सात नाला डैम में आकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे लगा था कि यहाँ साफ़ सुथरा होगा, बट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रदूषित चीज़ें यहाँ रखे गए हैं, प्लास्टिक रेपर्स कपड़े ये सब फेंके गए हैं। और यही रीज़न है कि ये जो डैम का जो पानी एकदम काला हो गया है, पानी जो है दूषित हो गया है, इट इज़ पोल्यूटेड। ये गंभीर बात है। सात नाला डैम यानी कि डोबो डैम, और कहते हैं कि यहीं पर इसी जगह पर सात नाला मिलकर के अपना मिलन चौक बनाते हैं। सॉरी, मतलब उनका मीटिंग पॉइंट है। वैसे मैंने वर्कर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ आपको मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पर सात नाला मिलते हैं, बट आगे आप आगे और जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में सात नाला आकर के मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सात नाला, जिसको हम बोलते हैं डोबो डैम। खैर, जो भी बोल लीजिए, वैसे संडे का आज फीलिंग आ रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो आप लोग भी घरों से बाहर निकलिए और आपका हिस्सा को जो खुशियाँ हैं उसको तलाशिए, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी में खुशी आना चाहिए, मस्ती आना चाहिए। सौरभ जी, आप ये बताएं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम कब आएँ, कब आना चाहिए? नेक्स्ट जनवरी में आ जाते हैं, नया साल में जी। अच्छा। और ये बताएं, यहाँ इस सतनाला डैम में किन वर्गों के लोगों को आना चाहिए, या फिर कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? इसमें तो ज़्यादातर टीन एज जो हैं वही आ सकते हैं, उनके लिए ही सबसे अच्छा जगह है। हाँ, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, वैसे तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीनेज के हाँ लिए अच्छी जगह है। और दूसरी बात, आप ये बताएं कि यहाँ किस पर्पस से आने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? पिकनिक पर्पस के लिए सबसे बेहतर है। यस, तो आप लोग यहाँ नया साल में यानी कि 2021 में पिकनिक मनाने जरूर आएँ। हलो तो आने वाले हैं, आप लोग भी आएँ। तो लवली पीपल, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ सात नाला डैम में आकर के काफ़ी अच्छा लगा, और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड मेरा आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यार सब लोग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी।